तो गाइस आज जाने वाला हूं मैं एक मिशन पर जहां पर हम एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देंगे। इस मिशन में मुझे दुश्मन के बेस में घुस के वहां पे कुछ मिसाइल्स है उनको डिफ्यूज करना है। इस काम को पूरा करने के लिए मेरे पास होंगे सिर्फ 100 डेज। क्या मैं 100 डेज में कंप्लीट कर पाऊंगा, चलिए देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है आज हम जाने वाले एक बहुत ही स्पेशल मिशन में, यानी कि आज हमें एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। उस सर्जिकल स्ट्राइक को कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत सारी पोस्टों से होकर गुजरना पड़ेगा। पोस्ट अगर आप लोगों के समझ में नहीं तो सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि हमें कुछ बॉर्डर क्रॉस करने होंगे और वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें कुछ सीक्रेट एजेंट मिलेंगे जो हमें वो बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, यानी हमारे मिशन तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे। अब मेरे पास कुछ खाने का सामान वगैरह है, जो कि खाना तो मेरे पास बहुत कम है, तो मुझे खाना इकट्ठे करते रहना होगा रास्ते में चलते चलते। और मेरे पास कुछ गन्स वगैरह हैं, ये बहुत बेसिक गन है, अगर हो सका तो मैं इनको अपग्रेड करूंगा। और एक मेरे पास सीक्रेट वेपन है, यानी कि मेरे पास रॉकेट है। और ये देखो भाई, दुश्मन मुल्क से भाई यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बम गिराए गए हैं। बस भाई बहुत हो गया, अब उनकी तानाशाही, अब यहाँ पे और नहीं चलेगा। इस सर्जिकल स्ट्राइक से मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ओके, मैं बेस तक पहुंच भी गया भाई, वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो चलो चलते हैं, एजेंट से मिलते हैं जरा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, ऊपर आओ। तो सोल्जर तुम्हारा हेलीकॉप्टर तो ऊपर खड़ा हुआ मुझे दिख गया है, तो चलो चलते हैं। पहले ये बताओ ये तुमने पहना क्या है? अरे शायद तुम्हें नहीं पता होगा, ये मेरा वेस्ट है, यानी कि हमारा स्पेशल कॉस्ट्यूम है, ये स्पेशल एजेंट को मिलता है। तुम ये बताओ हमारी सवारी तैयार है ना? हाँ बिल्कुल रेडी है। सो गाइस मैं आप लोगों को मिलवाना भूल गया, ये है हमारे ब्लैक क्लू और ये हमारे पायलट होने वाले हैं, और ये बहुत ही स्पेशल पायलट है भाई, हमें तो यही बताया गया है। तो चलो भाई चलते हैं फिर। कहाँ जा रहे हो भाई, पैसे लूंगा जाने के, ऐसे थोड़ी ना चला जाऊंगा। एक सीक्रेट एजेंट से पैसे मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे कितने पैसे ले रहे हो तुम यार, मुझे तो लगा था फ्री होगा। अरे भाई 64 एमरल्ड, वो भी एक दिन के। चलो ठीक है भाई, अब मेरे को लेना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही मुझे। अब तो पेमेंट भी कर दी, अब तो चलो। वैसे तुम्हें पैसे हेलीकॉप्टर तक भी अब मैं ही लेके चलूं, आगे आगे तो चलो भाई। यार आजकल गवर्नमेंट पता नहीं कैसे कैसे सीक्रेट एजेंट रख लेती है। ओ भाई ये क्या है, लकड़ी का हेलीकॉप्टर? अरे लकड़ी का हेलीकॉप्टर नहीं है भाई, से ऐसा वैसा मत समझो, स्पेशल गैरेज में बनवाया है। भाई मेरे को तो इस पे कुछ ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा, और बारिश भी होने वाली है, तो चलो भाई तुम हमें हेली बेस कैंप तक पहुंचा दो, बस उतना ही काफी रहेगा। ये कहीं भी पहुंचा देगा, तुम बैठो तो सही। अरे भाई इसमें दो बंदे आ भी जाएंगे, छोटा सा तो लग रहा है ये। आओ तो सही, एक बार बैठने की कोशिश तो करो। लगता है गाइस अब भाई इसी में ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई तुम पीछे क्यों हो गए भाई? बस मैं ऐसे ही चलाता हूँ, थोड़ा पीछे से ही चलाता हूँ भाई। वाह भाई पता कौन से बाबा आदम के जमाने का हेलीकॉप्टर है, इसमें पैसेंजर सीट आगे है भाई और पायलट सीट पीछे है। वाह भाई, अरे भाई आराम से भाई, ठोक वोक मत देना भाई इसको। अरे बैठे रहो, आराम से चला रहा हूँ। अरे चलाने दो, पेड़ दिख तो रहा है ना तुम्हें भाई, बारिश वैसे हो रही है। दिख रहा है भाई, दिख रहा है, चलाने दो मेरे को। अरे नीचे रेगिस्तान है, थोड़ा ऊपर लो इसको भाई, ऊपर लो भाई, तुम मरवाओगे भाई, मिशन पे जाने से पहले ही शहीद करवाओगे तुम लग रहा है। आराम से चलाओ भाई। अरे ऐसे ही चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, बैठे रहो आराम से भाई। कर्नल ने आज अच्छा फंसाया यार, लकड़ी के हेलीकॉप्टर में भेज रहे स्पेशल मिशन पे भाई, पता नहीं क्या ही सर्जिकल स्ट्राइक होगा ये, भगवान ही मालिक अब तो। अरे मुझे कुछ सामने दिख रहा है भाई, ये क्या है? ये शायद अपना हेलीपैड ही है। हाँ ये हमारी लोकेशन है, यहीं तक ही जाना है हमें। अरे सामने कुछ प्लेन भी खड़े हैं भाई, शायद यहीं हमें उतरना है। अरे यार मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, मेरी आंखों में धूल चली गई है। अरे ठीकेगा, थोड़ा ऊपर लो। अरे भाई तुम मरवाओगे भाई। भाई कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, बताओ किधर जाना है। उतार दिया यार तुमने भाई, तुम प्रो हेलीकॉप्टर हो भाई। तुम्हारा दिन खत्म हो गया भाई, मैं जा रहा हूँ अब। ठीक है भाई, चलो अपना ध्यान रखना। हाँ भाई सीक्रेट एजेंट आ गया।
होगी ट्रेनिंग थारी पूरी। और ये तमंचा दिखा रहा है ना मन, एक काम कर इसको नीचे धर ले। हाँ भाई, ये है हमारा हीरो, इससे मिल और ये थारे को लेकर जाएगा एक गांव में और वहाँ मिलेगा तन्ने एक एजेंट, वो तन्ने बताएगा कि अगला मिशन के होवे, समझे? ओके कर्नल जी, तो मैं निकलता हूँ मिशन पे। इसका ध्यान रखियो, रोटी पानी का सब एकदम टाइम पे दे दियो, जिगर का टुकड़ा है मारा। ओके कर्नल जी, मैं इसका ध्यान रखूंगा। उसके बाद भाई मैं निकल गया और बेस से निकलते मेरे को बहुत सारे सिविलियन ज़ॉम्बीज दिखे। अब ये सिविलियन ज़ॉम्बीज क्या है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जो मुल्क देश है ना, वो जो बेस है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता है और कुछ न्यूक्लियर वेस्ट जो बम होते हैं वो गिराता रहता है, जिससे कि यहाँ के बहुत सारे गाँव वासी जो है परेशान हो चुके हैं और वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए रेडिएशन की वजह से। इसीलिए कर्नल ने मुझे गाँव में जाने के लिए बोला, क्योंकि गाँव वासी भी खुद परेशान हो चुके हैं और वो मेरी मदद करना चाहते हैं इस स्ट्राइक में, यानी कि इस मिशन में। तो अब मुझे वही गाँव में पहुँचना है जहाँ पे मुझे अगला कोई सीक्रेट एजेंट मिलेगा। भैया हीरो बहुत ही ज्यादा काम का है गाइस, इसको मैंने हील भी कर दिया क्योंकि ये ज़ॉम्बी से लड़ लड़ के ना इसका हेल्थ भी थोड़ा सा कम हो गया था और ये मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अचानक से भाई मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और बहुत सारे लोगों ने ना गन लेके मेरे पे हमला कर दिया। यहाँ पे तो बहुत सारे मॉब भी थे ऐसे जिनके पास गन्स थी, तो भाई इनसे भी मेरे को बच के रहना होगा क्योंकि ये मेरे को मार सकते हैं। तो यहाँ पे एक घर था, इसमें मैंने सोचा कि इसमें रात गुजार लेता हूँ, तो मैंने हीरो को यहाँ पे बैठाया और उसको खाना भी खिला दिया जिससे कि वो हील हो गया और यहीं पर ही भैया मेरे को रात गुजारनी थी। सुबह हो चुकी थी तो अब मुझे जाके उस विलेजर से बात करनी थी जो यहाँ का सीक्रेट एजेंट है, जो मुझे बताने वाला है, एक तरह का वो गुप्तचर है भाई, तो वो मुझे बताएगा कि यहाँ पे जो पहली पोस्ट है वो कहाँ पे पड़ेगी। तो चलो भाई ढूंढते उस गाँव वासी को। और यहाँ पे मैंने एक डोर भी लगा दिया था जिससे कि भाई मेरा जो हीरो है वो सेफ रहे। तो कर्नल ने मुझे भाई इसकी जिम्मेवारी दी थी तो वो भी मेरे को संभाल के रखनी थी। और यहाँ पे भाई कई सारे विलेजर्स तो ज़ॉम्बी बन चुके थे जिनको मुझे मारना पड़ रहा था अनफॉर्चुनेटली। अब यहाँ पे मैं उस सीक्रेट एजेंट को ढूंढता ढूंढता एक विलेजर से मिला। अरे तुम ही हो क्या भाई वो स्पेशल सीक्रेट एजेंट? सीक्रेट एजेंट तो शाम को ट्रक लेके आएगा और मैं तुम्हें उससे बात करा दूंगा और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, और 50 रुपए दे देना इस काम के। चलो ठीक है, फिर मैं शाम होने का इंतजार कर लेता हूँ। मैं आसपास थोड़ा बहुत शिकार कर लेता हूँ, हंटिंग कर लेता हूँ, जिससे कि मेरी खाने की जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी क्योंकि सफर मेरा बहुत ज्यादा लंबा है, पता नहीं मुझे कितने बॉर्डर क्रॉस करने पड़े। तो यहाँ पे भाई मैं बहुत सारे जानवरों को किल कर रहा था अपनी पिस्टल से, जो कि मेरे पास डीगल पिस्टल थी और ये भाई 6 राउंड डीगल पिस्टल होती है जो कि बहुत ही बढ़िया होती है। तो मैं एक केव में आया, वहाँ पे भाई सल्फर वगैरह था, आयरन वगैरह था, जिससे कि मैं अपने बेसिक टूल भी बना सकता था। तो मैंने अपने स्टोन के बेसिक टूल बनाए, फिर थोड़ा बहुत कोल माइन किया जिससे कि मैंने टॉर्च बना ली, थोड़ा बहुत खाना भी मैंने पका ही लिया था भाई। और रात को भाई बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि तूफान आया है। तो भाई मैंने सोचा कि मैं यहीं पर रात बिताऊंगा। अब सुबह हो चुकी थी, अब मैं ये सोच रहा था कि भाई अब मेरे को गाँव निकलना है क्योंकि अब वहाँ पे सीक्रेट एजेंट भी आ ही गया होगा, उसने शाम तक बोला था। तो चलो भाई अब देखते आया कि नहीं आया। अरे तुम तो कह रहे थे वो शाम तक आ जाएगा, लेकिन वो तो अभी तक आया ही नहीं भाई। अरे आ तो जाना चाहिए था, लगता है उसकी आंख लग गई होगी। आंख लग गई मतलब क्या कहना चाहते हो? अरे वो लाल बुर्सट वाले से पूछ लेना। लाल बुर्सट? अरे वो लाल शर्ट वाला। लाल बुर्सट वाला? अरे वो लाल कपड़ा पहना है, उससे बात कर लेना तुम। अरे सुनो लाल बुर्सट वाले, तुम्हें पता है क्या वो ट्रक वाला कहाँ रह गया एजेंट? एक बात बता, तू गांजा फूंक के आया क्या? लाल टी शर्ट पहना हूँ मैं ट्रक वाले को जानता थोड़ी ना हूँ। अरे तो फिर कौन जानता है भाई कहाँ रह गया वो? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा ढूंढने उसको, वैसे भी मिशन हमारा बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तो भाई अब मुझे बहुत ज्यादा रात हो गई थी, उसको ढूंढते ढूंढते अचानक मेरे को एक आवाज आती है बीप बीप की, पता नहीं है किस चीज की आवाज है। तो चलो भाई देखते क्या है ये आवाज। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रक रुका हुआ है जो कि लकड़ी के गट्ठों से पूरा का पूरा भरा हुआ, और भाई मेरे पे ये ज़ॉम्बीज भी अटैक कर रहे थे। ज़ॉम्बीज को जैसे तैसे मार करके भाई मेरे को देखना था कि ये ट्रक किस चीज का है। अब भाई मैं जैसे इसके पास पहुंचा ना, तो यहाँ पे एक एजेंट बैठा हुआ था और रो रहा था। अरे ये तो छोटू है, अरे यार मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था, कहाँ रह गया था तू, कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा, तेरी वजह से पता है हमारी वहाँ पे पूरी की पूरी बटालियन पहुंच चुकी है बॉर्डर पे और वो मेरा इंतजार कर रही है, तेरी वजह से इतने ज्यादा लेट हो गए हम। अरे मेरा ट्रक फूट गया है, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। अरे रे 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 रो मत यार, ये बताओ ये टायर कैसे पड़े हुए हैं भाई? ये MRF के टायर है, फट गए। ओके तो ये टायर खराब हो गए, चलो अभी मैंने टायर फिक्स कर दिए, आ जाओ बैठो ट्रक के अंदर और दोनों जने चलते हैं, मैं तुम्हें पास वाले गांव पे छोड़ दूंगा और फिर वहां से मैं मिशन पे चला जाऊंगा। अरे नहीं, मैं को अब खुद को सजा देनी होगी क्योंकि मैं आर्मी के लायक नहीं हूँ, तुम्हारे साथ इसके अंदर बैठ के नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा बैठ के, खुद को सहूंगा इस कड़कड़ाती ठंड को। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा भाई, वैसे भी लेट हो रहे, अब जल्दी निकलना है, देख लो ठंड बहुत ज्यादा है, आराम से पकड़ के बैठे रहना।
ठंडी ठंडी लग रही है भाई। अब बैठे रहो, अब ज्यादा मत बोलो। काफी लंबा सफर करने के बाद दिन निकल चुका था और सामने मेरे को पोस्ट भी दिख गई थी। तो भाई उस पोस्ट के पास तो अब हमें नहीं जाना, तो मैंने अपने ट्रक को बैक लिया और फिर वहां से राइट की साइड मोड़ लिया। तो वहां पे एक विलेज था, वहां पे हमें जाना था क्योंकि वहीं पर अपने को सीक्रेट एजेंट मिलेगा जो हमें पोस्ट तक लेके जाएगा और बताएगा कि किस तरीके से हमें इस पोस्ट पे अटैक करना है। तो चलो भाई मिलते हैं, गाँव की तरफ चलते हैं। सुनो सोल्जर, ट्रक का ध्यान रखना, मैं अभी आया एजेंट से मिलके। ठीक है, मैं इस ट्रक का पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है चलो मैं आता हूँ फिर अभी। यस सर। तो भाई गांव के एजेंट से मैंने बात करी, उसने मेरे को बताया कि तुम्हें जल्दी निकलना होगा क्योंकि रात को तुम पोस्ट पे अटैक नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े स्नाइपर होते हैं जो तुम्हें मार भी सकते हैं। अब मुझे दिन में ही जाना होगा वहाँ पे। तो खाना वाना मैंने ले लिया था, अब निकल रहा था मैं पोस्ट पे हमला करने के लिए और ये मेरी पहली पोस्ट होने वाली थी उनके बेस कैंप तक जाने के लिए। तो इस पोस्ट पे एक टावर है और ऊपर एक रेडियो एक्टिवेटर है, यानी कि एक रडार है जिसको मुझे ऑफ करना है जिससे कि ये आगे सिग्नल नहीं दे पाएंगे और वहां पे कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह वो डिसेबल हो जाएंगे, यानी कि उनको पता नहीं चलेगा कि उनके बेस पे अटैक हो रहा है। तो वो मुझे ऑफ करना होगा। तो उसके लिए भाई सबसे पहले मेरे को स्नाइपर को मारना था, मैं उस पर बहुत निशाना लगाया लेकिन मेरे पास थॉमसन गन थी जिसमें स्कोप नहीं था तो मैं उसको मार नहीं पा रहा था, निशाना नहीं लग रहा था। तो मैंने अपनी 6 राउंड पिस्टल निकाली और उससे मैंने मारा तो उससे वो मर गया। तो अब जाना था मेरे को अंदर की तरफ और जैसे मैं गेट की तरफ आया तो मैंने देखा कि सामने एक जिप्सी भी है तो उसको भी भाई मुझे मारना पड़ेगा वरना वो जाके आगे जाके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे अटैक हो रहा है। जैसे मैं अंदर घुसा यहाँ पे मैंने एक एजेंट को मारा और मैं ऊपर की तरफ निकल गया। अब यहाँ पे मैं रडार को तो ऑफ कर चुका था और साथ ही में रात भी हो गई थी। अब मुझे बहुत ही ध्यान रखना होगा क्योंकि रात को जो है ना सिविलियंस भी आते हैं, यानी कि ज़ॉम्बी सिविलियंस। जैसे मैं नीचे जा रहा था तो देखा मैंने यहाँ पे नीचे कुछ एजेंट आ चुके हैं जो कि यहीं की पोस्ट के हैं। इनको पता चल गया कि भाई रडार ऑफ हुआ है तो इनको मुझे मारना होगा वरना ये आगे जाके बता भी सकते हैं। तो एक एक करके इनको मैंने मारा भाई। बहुत लंबी फाइट चली, मुझे दिन हो गया था भाई लड़ते लड़ते और मैंने जिप्सी वालों को भी निपटा दिया था, यानी कि जो पोस्ट जिप्सी वाले थे जिनका पेट्रोलिंग चलता था। अब सामने मैंने देखा एक फाइटर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, अब उसको मुझे निपटाना था क्योंकि अगर मैं उसके रडार सेक्शन में आ गया तो डेफिनेटली वो बेस पे जाकर बता देगा कि यहाँ पे अटैक हुआ है। तो इसको मारने के लिए मेरे पास RPG था, उसका मैंने यूज़ किया तो मैंने यहाँ पे 2-3 फायर भी दागे भाई लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा था। तो उसको मारने के लिए मुझे थोड़ा क्लोज जाना पड़ा तो यहाँ पे मैंने 2-3 राउंड फायर करने के बाद एक राउंड उसको मेरा लगा तो वो लगने के बाद थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा डगमगाया। उसके बाद मैंने एक और राउंड फायर किया और वो राउंड ठीक जाकर उसके पंखे में लगा और पंखे में लगते भाई वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और ब्लास्ट हो गया। हेलीकॉप्टर ब्लास्ट करने के बाद तो भाई जैसे मेरे अंदर अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आ गया तो भाई अब मुझे जाना था आगे की तरफ। अब देखते हैं क्या होने वाला है क्योंकि मुझे यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि यहाँ पे अंदर जाके मुझे कुछ मिसाइल्स है जो डिफ्यूज करने हैं। अब सामने मैं एक और मिसाइल दागने वाला था कि मैंने देखा बेस कैंप के बहुत सारे सिपाही अपने टैंकों के साथ खड़े हैं तो भाई उनको मैं अभी नहीं मार सकता था। तो मैंने लेफ्ट साइड घूम के जाने की सोची तो वहां पे देखा मैंने पूरी पलटन यानी कि फौज खड़ी हुई थी तो भाई इनको मैं नहीं हरा सकता। तो अब बारी थी भाई मेरे को अपना रेडियो यूज करने की। रेडियो से मैं एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट मंगाने वाला हूँ जो कि यहाँ पे एक बम गिराएगा और इनको सबको मार देगा। तो भाई अब मेरे को उसी को ही बुलाना था।
अब एक चीज की गलती हो गई थी, जैसे उस एयरक्राफ्ट ने बम गिराया तो उनकी आवाज जो है भाई साइड वाले बंकर तक चली गई और वहां पे पूरी की पूरी पलटन एक्टिव हो गई। तो भाई वैसे एक चीज का तो फायदा था कि यहाँ पे रात हो चुकी थी तो मेरे को ज्यादा एजेंट देख नहीं पा रहे थे कि भाई ये हुआ कैसे। अब मैं फाइट करता करता भाई पहुंच चुका था खतरनाक जगह पे। यहाँ पे गाइस रात हो चुकी थी और इनको पता चल चुका कि भाई इनके बेस में कोई ना कोई घुसपैठिया आया है, यानी कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। अब भाई मैं जैसे तैसे बचता बचाता हुआ टैंकों के पीछे छुप गया क्योंकि मेरे को रात गुजारनी थी। अब मैं रात को भाई यहाँ पे छुपा रह सकता हूँ क्योंकि मेरे को दिन में अटैक करना है। रात में ये मेरे को इजीली मार सकते थे सबके सब क्योंकि इनके पास नाइट विजन गॉगल थे। तो भाई अब दिन हो चुका था और मेरे को पता चला कि मैं सामने ही हूँ, मतलब मैं बेस कैंप के मेन हेडक्वार्टर के पास हूँ जहाँ पे वो मिसाइलें थी। यहाँ पे 4 मिसाइलें हैं, यानी कि 2 सैटेलाइट मिसाइल और 2 बेस मिसाइल। तो भाई ये मिसाइलें ये लॉन्च करने वाले थे यहाँ पे, तो इनको मुझे डिफ्यूज करना है। अब मुझे ये तो नहीं पता इनकी टाइमिंग क्या होने वाली है, लेकिन हाँ मुझे डिफ्यूज करनी है भाई। तो यहाँ पे मैंने कुछ एजेंट्स को देखा जो कि भाई डोंकी के साथ खड़े हुए थे। हाँ मैंने उनको मार दिया भाई रॉकेट वॉकेट से क्योंकि अब इनको पता तो है कि मैं यहाँ पे घुसपैठिया आ चुका हूँ, तो मुझे ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है, बस अब मुझे फेस टू फेस इनसे फाइट लेनी थी। तो एक एक करके भाई मैं गाड़ियों के पीछे छुपता हुआ, कैनन्स के पीछे छुपता हुआ इन सभी एजेंट्स को मैंने मारा जो कि सब चीजों को गार्ड कर रहे थे। अब मुझे भाई यहाँ पे अंदर तक घुसना था हेडक्वार्टर के, क्योंकि ये अंदर ही तो मुझे जाना है जहाँ पे मिसाइलें लगी हुई है और मेरे को ये भी नहीं पता कि भाई ये मिसाइलों को किस साइड से डिफ्यूज करना है। मैंने सोचा कि यार रात होने का वेट करते हैं क्योंकि मैं ज्यादातर एजेंट्स को मार चुका था जिनके पास नाइट विजन था, क्योंकि मैं रात को अच्छे से काम कर पाऊंगा। अब भाई यहाँ पे रात हो चुकी थी, अब मुझे जाना था भाई उस सैटेलाइट के पास, मुझे देखना है कि वो किस तरीके से डिफ्यूज होंगी। तो ये है वो जगह जहाँ पे मुझे ऊपर की तरफ जाना है मिसाइलों को डिफ्यूज करने के लिए। तो भाई अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो इन जीनों से चढ़ते हुए मैं ऊपर जा रहा था कि अचानक भाई मेरे को करंट लगा और सायरन बजने लग गया, मतलब ये कुछ अलर्ट अलार्म था जिससे कि भाई बहुत सारे एजेंट एक्टिव हो गए, मेरे पे हमला करने लग गए। तो यहाँ पे भाई मेरे पे बहुत ही तगड़ा रश हो गया था बहुत सारे सोल्जर्स का, लेकिन भाई मैंने उनको एक एक करके निपटा दिया। और जहाँ पे अंदर से ये आ रहे थे जो स्पोनर लगे हुए थे उसको भी भाई मैंने धीरे धीरे एक एक करके निपटा दिया। अब मैं एक बार और ट्राई करने के लिए आया ऊपर सैटेलाइट बंद करने के लिए, लेकिन मेरे को फिर से करंट लगा भाई। तो मेरे को पता लगाना था कि भाई मेरे को एक करंट लग क्यों रहा था। तो थोड़ी देर बाद भाई मेरे को मेरे एजेंट से बात करने के बाद पता लगा कि यहाँ पे एक आर्मर होता है, यानी कि एक सूट होता है जो मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, और वो यहाँ पे नीचे ही था और यहाँ पे एक की भी थी जिससे वो बॉक्स खुलेगा। तो पहले मुझे भाई की निकालनी थी ये स्पेशल की, और यहाँ से अब वो सूट लेना था, और वो सूट लेने के बाद भाई मैंने पहन लिया और अब जाता हूँ मैं ऊपर वो मिसाइल्स को बंद करने के लिए। ये सूट एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्बर सूट है और ये न्यूक्लियर वेस्ट से भी मुझे बचाएगा। तो चलो भाई देखते हैं अब मैं ऊपर जाके उसको डिफ्यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे रात हो चुकी थी तो भाई बाहर की तरफ बहुत सारे एजेंट भी थे तो उनको मुझे मारना था। तो यहाँ पे अंदर मैंने दिन होने का वेट किया और दिन में मैं बाहर निकला, थोड़े बहुत एजेंट थे उनको मैंने निपटाया भाई एक एक करके, और फिर अब चल दिया मैं सैटेलाइट को डिफ्यूज करने के लिए। मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था कि भाई अब वापस करंट ना लग जाए, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद पता चला कि भाई ये जो टेस्लास है अब मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रही है, मतलब मेरे को अब करंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अब अंदर मेरे को इन मिसाइल्स को डिफ्यूज करना था, तो यहाँ पे 3 लीवर लगे हुए थे, इनको मुझे ऑफ करना होगा। तो भाई ये मैंने ऑफ कर दिया बिना सोचे समझे, और यहाँ पे जो मीटर था वो भी डाउन कर दिया, यानी कि अब ये मिसाइल्स नहीं उड़ेंगे। अभी मैंने इनको डिफ्यूज किया था, अभी बंद करना इनको बाकी रहता था क्योंकि अभी भी उड़ सकते थे। लेकिन यार लीवर दबाने से एक काम हो गया कि इनका टाइमर चालू हो गया, मतलब इनको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इनको कोई भी छेड़ेगा ना बंद करने की कोशिश करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी और लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाएगी। तो भाई अब मैं इनको बंद करने के लिए पीछे की तरफ आया, यहाँ पे 3-4 जनरेटर लगे हुए थे बड़े बड़े, तो मैंने सोचा यार मैं उनको तोड़ देता हूँ तो शायद ये बंद हो जाए। लेकिन मेरे को पता चला कि भाई ये जो जनरेटर है ये अनब्रेकेबल है, इनको तोड़ नहीं सकते। तो अब मेरे पास आखिर में क्या बचा भाई, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये मिसाइल कभी भी
भी लॉन्च हो सकती है और भाई मेरा मिशन यहाँ पे फेल हो सकता है। तो एज ए सोल्जर भाई मेरा मिशन फेल होगा तो मैं भाई मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा अपनी बटालियन में और मैं वहाँ पे जा नहीं पाऊंगा अपने देश वापस, मुझे सब क्या बोलेंगे भाई। तो अब मुझे कुछ ना कुछ करना था भाई, तो अब बारी आ गई है भाई मिट्टी का कर्ज चुकाने की। तो चलो भाई अब फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो गाइस अब मेरे पास एक लोकेशन ट्रैकर था जिसकी मदद से मैं यहाँ पे एक एयर स्ट्राइकर बुला सकता हूँ, यानी कि इस पूरी की पूरी जगह को बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि मैं जैसे उसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे एक बड़ा सा फाइटर जेट आएगा हमारे बेस से और इस पूरी जगह को उड़ा देगा न्यूक्लियर बॉम्ब से। लेकिन उसमें ये होगा कि मैं नहीं बच पाऊंगा। तो यहाँ पे भाई अब वक्त आ गया था मिट्टी का कर्ज चुकाने का। अब मैं अपनी जान के बारे में नहीं सोचूंगा। तो भाई मैंने लास्ट सैल्यूट किया और एयर स्ट्राइकर को बुला दिया। तो सैल्यूट करते हैं, मिलते हैं फिर कभी फिर किसी मिशन में। वीडियो पसंद आई हो तो भाई ये सारे के सारे मोड पैक आप लोगों को हमारे डिस्कॉर्ड सेक्शन में मिल जाएंगे, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाओ गाइस आप लोग भी एक्सपीरियंस करो भाई एक सोल्जर होना कैसा लगता है, और एक लाइक और शेयर अपने इस सोल्जर के लिए।